हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एमबीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। नेक्स्ट, इस वीडियो में आप एमबीओ का इंट्रोडक्शन, परिचय, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, स्ट्रेटजी, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव्स, स्मार्ट मेथड ऑफ गोल, फीचर्स ऑफ एमबीओ, प्रोसेस ऑफ एमबीओ, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और हाउ टू मेक एमबीओ इफेक्टिव, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है एमबीओ इंट्रोडक्शन, परिचय, कि बेसिकली एमबीओ होता क्या है। तो एमबीओ जो कॉन्सेप्ट है वो पीटर डकर ऑथर ने 1954 में दिया था। एमबीओ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग के लिए दिया गया है, योजना की अवधारणा बनाने के लिए। नेक्स्ट है एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसर्न पर्सन, सभी संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी के माध्यम से उद्देश्यों की सिद्धि, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, अपना योगदान दें, इसलिए एमबीओ का कॉन्सेप्ट आया है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की भागीदारी और लोकतांत्रिक शैली। जो एमबीओ है वो डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल होती है, जहाँ पे सभी लोगों को राइट्स होता है कि वो अपने थॉट्स या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वो रख सके और शेयर कर सके। नेक्स्ट है एमबीओ का कॉन्सेप्ट या मीनिंग, मुख्य अवधारणा, द प्रिंसिपल बिहाइंड एमबीओ is to make sure that everybody within the organization has a clear understanding of the aim or objective of that organization, as well as awareness of their own roles and responsibility in achieving those aims. उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के पीछे सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि संगठन के भीतर हर व्यक्ति को संगठन के उद्देश्यों के साथ ही उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी स्वयं की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता की स्पष्ट समझ हो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि जैसे कि उसमें वर्ड है कि हम काय का ऑब्जेक्टिव का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सभी लोगों को उनके एम्स ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, उनके बारे में अवेयरनेस हो, उनको उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, कि उनको क्या अचीव करना है, इसलिए हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट है द कम्प्लीट एमबीओ सिस्टम इज़ टू गेट मैनेजर एंड एम्पावर्ड एम्प्लॉयज एक्टिंग टू इम्प्लीमेंट एंड अचीव द प्लान विच ऑटोमेटिकली अचीव दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संपूर्ण एमबीओ प्रणाली प्रबंधकों और सशक्त कर्मचारियों को अपनी योजनाओं को लागू करने और काम करने के लिए मिलती है, जो संगठन के उन लोगों को संचालित रूप से प्राप्त करते हैं। एमबीओ को सिस्टम बोलते हैं कि जो हमारे प्लान्स बने हैं उनको हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको लागू करना है, फिर कैसे उनको अचीव करना है, उन गोल्स को जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेट किए गए हैं। तो अगर सारे एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि किसका क्या काम है, तो उस गोल्स को हम इजीली और अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, परिभाषा, एमबीओ इज अ प्रोसेस वेयर बाय सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिफाइन इट्स कॉमन गोल, डिफाइन इट्स इंडिविजुअल मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड यूज दिस मेजर्स एज अ गाइड फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असिसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय। एमबीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के श्रेष्ठ और अधीनस्थ प्रबंध संयुक्त रूप से अपने सामान्य लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से उसके अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में जिम्मेदारी के प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं और इन उपायों का योगदान इकाई के संचालन और प्रत्येक सदस्य के योगदान का आकलन करने के लिए करते हैं। ये डेफिनेशन जॉर्ज ऑर्डिनेन ने दी थी। एमबीओ बोला गया कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है वो लोग मिलके कॉमन गोल के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के लिए काम करते हैं।
जिसमें कि हम हर एक इंडिविजुअल का, हर एक प्रत्येक व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको हम डिफाइन करते हैं कि उनको किस टाइम तक क्या रिजल्ट्स को अचीव करना है, क्या उनके गोल्स है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव है। फिर हम उसको मेज़र करते हैं कि उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है कि नहीं किया है, या किस लिमिट तक उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया गया। सेकेंड, MBO इज़ अ सिस्टमेटिक सिस्टम विच सीक टू इंटीग्रेट द कंपनी नीड टू क्लेरिफाई एंड अचीव इट्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ गोल्स विच विथ द एम्प्लॉयज नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड डेवलप हिमसेल्फ इफ इट इज डिमांडिंग एंड रिवार्डिंग स्टाइल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस। MBO एक गतिशील प्रणाली है जो प्रबंधक के योगदान और खुद को विकसित करने की आवश्यकता के साथ अपने मुनाफे और विकास लक्ष्यों को स्पष्ट करने और प्राप्त करने के लिए कंपनी की ज़रूरतों को एकीकृत करने का प्रयास करती है। यह एक व्यवसाय के प्रबंधन की मांग और पुरस्कार से लिए। ये डेफिनेशन जॉन हम्बल ने दी है कि MBO जो है वो डायनेमिक सिस्टम है और कंपनी इसमें आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि उनके क्या गोल्स थे, वो अचीव उन्होंने कितने किए हैं, वो प्रॉफिटेबल थे नहीं थे, उन गोल को अचीव करके उनके कितना डेवलपमेंट उनका हुआ है। और अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी एम्प्लॉयज़ ने या मैनेजर्स ने, तो हम उसको रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं। तो ये एक डिमांडिंग एंड रिवॉर्डिंग स्टाइल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस भी बताया है। नेक्स्ट है MBO स्ट्रेटेजी, थ्री बेसिक पार्ट्स, रणनीति, तीन मूल भाग। ऑल इंडिविजुअल विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन असाइन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट दे ट्राई टू रीच ड्यूरिंग अ नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड। एक संगठन के भीतर सभी व्यक्तियों को उद्देश्य का एक विशेष सेट सौंपा जाता है जो वे एक सामान्य परिचालन अवधि के दौरान पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ बोल रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम स्ट्रेटेजी को तीन तरीके से फॉलो करते हैं। तो पहला बताया है कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बना देंगे हर इंडिविजुअल के लिए। फिर हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन लोगों ने उसको ऑब्जेक्टिव को कितना अचीव किया है, वो कितना अचीव करना भी बाकी है। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस रिव्यू आर कंडक्टेड पीरियोडिकली टू डिटरमाइन हाउ क्लोज इंडिविजुअल आर टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स। प्रदर्शन समीक्षा समय समय पर यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। अब सेकंड बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बारे में हम एनालिसिस करते रहे टाइम टू टाइम, और कितने ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने अचीव कर लिया है वो देखेंगे। नेक्स्ट है, रिवॉर्ड्स आर गिवन टू इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ क्लोज दे कम टू रीच देयर गोल्स। व्यक्ति को इस आधार पर पुरस्कार दिया जाता है कि वे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के कितने करीब हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम क्या देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे कि उन्होंने जो भी हमारे गोल्स हैं उनको कितनी, अगर उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उनको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट की उनको वो ज़रूरत है वो बताएंगे। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ MBO सिद्धांत, कैस्केडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विजन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्यापक संगठनात्मक दृष्टि लक्ष्य और उद्देश्य। कि यहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशंस के विज़न है, विज़न जो कि हमको 5 ईयर्स बाद हमारी कंपनी को किस प्लेस पे होना चाहिए, 10 ईयर्स बाद या 20 ईयर्स बाद, वो हम डिसाइड करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या है जो कि हमको 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होने होते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, वो सारे सेट करना, गोल सेटिंग वो हमारा आता है, एक प्रिंसिपल्स होता है MBO का। सेकंड है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर ईच मेंबर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे हम हर व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं
कि पर्टिकुलर व्यक्ति एक है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड है तो उसका हर एक का ऑब्जेक्टिव सेट होगा, तो उनको पता होगा उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको क्या काम करना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, सहभागी निर्णय लेना, कि जब भी कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट, सभी लोगों को अपनी बात बोलने का रखने का मौका मिला जाए दिया जाए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। प्लीज एट टाइम पीरियड, स्पष्ट समय अवधि, कि हर एक काम करने के लिए हम एक टाइमिंग डिसाइड करें कि आपको 1 वीक में 100 प्रोडक्शन यूनिट्स बनानी है या 1 मंथ में 1 मंथ में 1000 प्रोडक्शन यूनिट्स बनानी है, तो हर एक चीज़ का हम यहाँ पे टाइम पीरियड सेट करते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड फीडबैक, प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, कि किसी ने कैसा परफॉर्म किया हम उसको इवेल्युएट करेंगे और फिर उसके लिए फीडबैक देंगे। अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम उसको अप्रिशिएट करें और किसी ने नहीं किया है तो हम उसको मोटिवेट करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ और आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ, उद्देश्य। फर्स्ट है ट्रांसलेट मेन स्टेटमेंट इनटू ऑपरेशनल टर्म, परिचालन विवरण में मुख्य कथन का अनुवाद करें। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो कंपनी 1 ईयर 2 ईयर्स या 5 ईयर्स में अचीव करना चाहती है, उसको ये छोटे पार्ट्स में कर देता है और उसको हम डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें ताकि हम उस 5 ईयर्स के प्लान्स को अचीव कर सकें, इसलिए बोला गया कि ये मेन स्टेटमेंट को ऑपरेशनल टर्म्स में ट्रांसलेट कर देता है। सेकेंड है टू गिव डायरेक्शन एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के मापने के लिए निर्देश और निर्धारित मानक देते हैं। हम किसी चीज़ को कैसे मेज़र कर सकते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। हम गोल्स में देख लेते हैं कि ये सेट करते हैं कि हमको 500 यूनिट्स पर डे में प्रोडक्शन करनी है, तो एक हमारा स्टैंडर्ड है। फिर हो सकता है कि हमने 300 यूनिट ही बनाई हो, तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 500 है, तो हम बाद में देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमने 200 यूनिट्स कम बनाई हैं, तो उसको हम चेक करके और प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं और इसको इनक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेजर एंड जज परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को मापने और जज करने के लिए कि किसी चीज़ को, जैसे अभी हमने 300 यूनिट्स बनाई, तो हम गोल्स ऐसे सेट करें जिसको कि हम मेजर कर सकें और हम जज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने परफॉर्मेंस कम की है जिसको कि हम इम्प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट है टू रिलेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, संगठनात्मक लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन से संबंधित करने के लिए, कि इंडिविजुअली व्यक्ति हर एक कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर सभी लोग 100 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो वो उनका पर्टिकुलर इंडिविजुअल गोल हो गया, और इन्हीं सबके गोल्स को मिलके जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनता है। नेक्स्ट है टू फॉस्टर इंक्रीजिंग कॉम्पिटेंस एंड ग्रोथ ऑफ सबऑर्डिनेट्स, बढ़ती क्षमता और अधीनस्थों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, सबऑर्डिनेट्स और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करें, उनकी उनको हम ग्रोथ दें, प्रमोशंस दें, और उनको पता चले कि उनके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनकी दक्षता का हम पूरी तरीके से यूज़ कर सकें। और ऑब्जेक्टिव्स भी है टू एनहेंस कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, वरिष्ठ और अधीनस्थों के बीच संचार को बढ़ाने के लिए, कि जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में किसी भी काम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर रहेगी तो कोई भी काम बहुत सही तरीके से होगा, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को इनक्रीज करने के लिए अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव सेट है तो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और काम ज़्यादा अच्छे से होगा। नेक्स्ट है टू सर्व एज अ बेसिस फॉर जजमेंट अबाउट सैलरी एंड प्रमोशन, वेतन पदोन्नति के बारे में निर्णय के लिए एक आधार के रूप में काम करते हैं,
किसी व्यक्ति ने किस ऑब्जेक्टिव को कितने अच्छे तरीके से अचीव किया है, कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो हमको पता होगा उसको कितनी सैलरी देनी है, उसका इंक्रीमेंट करना है या उसका प्रमोशन करना है, उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। टू स्टिमुलेट सबऑर्डिनेट्स मोटिवेशन, अधीनस्थ प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट करें हम, अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो किसी काम को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। टू सर्व एज अ डिवाइस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, संगठनात्मक निर्णय और एकीकरण के लिए एक उपकरण की रूप में सेवा करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को हम कंट्रोल करके चल सकें, सबको एक साथ लेके चल सकें, इसलिए भी हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे तो सबकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होगी। नेक्स्ट है टू सेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने के लिए भी एमबीओ इम्पॉर्टेंट है, कि हमको शॉर्ट टर्म की वन डे, वीक या मंथ्स के प्लान्स के लिए या ईयर्स के प्लान के लिए। नेक्स्ट है द स्मार्ट मेथड क्लियरिटी ऑफ गोल्स, लक्ष्यों की स्मार्ट विधि। विथ एमबीओ कम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट गोल, गोल दैट आर एमबीओ के साथ स्मार्ट लक्ष्यों की अवधारणा, यानी लक्ष्य जो इस प्रकार है। स्मार्ट मेथड मतलब हम जब भी गोल सेट कर रहे हैं तो हमको गोल्स को स्मार्ट तरीके से सेट करना चाहिए, तो उसमें स्मार्ट का ये फुल फॉर्म दे रखा है कि हमारा गोल कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट है स्पेसिफिक विशिष्ट होना चाहिए, सेकंड मेजरेबल मापने योग्य, थर्ड अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, फोर्थ रिलेवेंट प्रासंगिक, फिफ्थ टाइम बाउंड या समयबद्ध। फर्स्ट स्पेसिफिक बोलता है कि हमारा गोल बहुत जनरल सा नहीं हो के स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको कि हम अचीव करना चाहते हैं, कि हमको हमारा 50% मार्केट शेयर कवर करना है नेक्स्ट 1 ईयर में। सेकेंड है मेजरेबल होना चाहिए, कि जैसे 50% मार्केट शेयर कवर करना है तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं, कि अगर हमारी सेल्स, हो सकता है हमने 25% ही कवर किया हो और हमको 50% करना था, तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में। नेक्स्ट है अचीवेबल होना चाहिए, गोल ऐसा सेट होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें। अब हमने 50% सेट गोल सेट किया था तो हमने 25% मार्केट शेयर कवर किया, पर अगर इसकी वजह अगर हम 100% ही मार्केट शेयर 1 ईयर्स में कंप्लीट, तो ये हम अचीव नहीं कर सकते हैं 1 ईयर के अंदर। तो गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है रिलीवेंट गोल, हमारा जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसका मार्केट शेयर कवर करना, ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड, कि हमारे गोल के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए, कि हमको उसी टाइम तक उस चीज़ को अचीव करना है। तो जब भी हम गोल सेट करें हम ध्यान रखें कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एमबीओ। फर्स्ट है सुपीरियर सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन, बेहतर अधीनस्थ भागीदारी। सुपीरियर सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन बोलता है कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने, तो दोनों लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, दोनों लोग कम्युनिकेट करें आपस में, दोनों लोगों के डिसीजंस हो, दोनों लोगों की बातों को सुना जाए, माना जाए, और दोनों मिल के काम करें। नेक्स्ट है जॉइंट गोल सेटिंग, संयुक्त लक्ष्य निर्धारण, कि सभी लोगों का मिल के गोल सेट होना चाहिए। इंडिविजुअली गोल हम सेट नहीं कर सकते, तो हमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल के गोल सेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है क्लियरिटी ऑफ गोल, लक्ष्यों की स्पष्टता। हर एम्प्लॉयज एमबीओ के जरिए पता होता है कि सबको उसमें डिसाइड होता है कि किस एम्प्लॉय को उसका क्या गोल है, किस मैनेजर का क्या गोल है, उसको क्या अचीव करना है। नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बेहतर संचार और समन्वय। अगर सबको अपनी ये गोल्स पता हैं तो सब लोग आपस में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है जॉइंट डिसीजन एंड मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली पर संयुक्त निर्णय, कि
आपस में मिल के निर्णय या डिसीजंस लिए जा सकते हैं, है ना। दोनों लोग अपने डिसीजंस बता सकते हैं और जो बेस्ट हो उसको वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उनको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट डे मेक्स वे टू अटेन मैक्सिमम रिजल्ट, अधिकतम परिणाम प्राप्त करने का मार्ग बनाता है। सबके गोल्स फिक्स है तो सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, तो हमको पता होगा कि हम मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम सुपीरियर, जो हमारे सुपीरियर से हम सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हमको कुछ नहीं आता है तो हम उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं और वो हमको सपोर्ट करेंगे। और फीचर्स है ऑब्जेक्टिव एट ऑल लेवल, सभी स्तरों पर उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सभी लेवल्स पे होते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ को या सभी मैनेजर्स को अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। एम्फसिस ऑन ऑल सिग्निफिकेंट प्रायोरिटी एरिया, सभी महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्रों पर जोर दिया जाता है कि किस एरिया पे हमको ज़्यादा अच्छा काम करना है, तो हम उस पर फोकस करके उस काम को ज़्यादा अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा, समीक्षा की हम परफॉर्मेंस का रिव्यू लेते रहें तो हमको पता चलेगा कि कोई सा भी काम या कोई सा भी एम्प्लॉयज़ कैसे परफॉर्म कर रहा है। अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर, उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रिया, किसी काम को करने के लिए प्रोसीजर या सिस्टम लिखा जाएगा कि कोई सा भी काम किस तरीके से होगा। प्रोडक्शन तो उसकी प्रोसेस होगी, उस काम को हम उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल क्लियरिटी, भूमिका स्पष्टता, कि सभी को उनके रोल्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल अकाउंटेबिलिटी, एकाधिक जवाबदेही, कि बहुत सारे लोगों के प्रति आपको आंसरेबल होना होगा कि अगर आपने गोल्स को अचीव नहीं किया है तो हो सकता है आप प्रोडक्शन प्रोसेस में हो, अगर आपने फर्स्ट स्टेप ही पे आप काम करो, अगर फर्स्ट स्टेप पे आपने काम नहीं किया तो सेकंड वाला उस काम को कैसे आगे बढ़ाएगा। फीचर्स ऑफ एमबीओ होते हैं। नेक्स्ट आती है स्टेप्स इन एमबीओ या प्रोसेस। प्रोसेस का फर्स्ट है डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को डिफाइन करना, डिफाइंड एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव, फिर एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस, फिर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक और फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की प्रोसेस ऑफ एमबीओ। फर्स्ट है रिजल्ट, डेवलप रिजल्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी, कि जो हमारा एमबीओ होता है वो रिजल्ट से रिलेटेड है, कि हम फोकस करते हैं कि हमारे क्या गोल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है और हमको उनको अचीव करना है, उसको हम फॉर्मुलेट करते, उन ऑब्जेक्टिव्स को ही अप्रेजल करते हैं, एम्प्लॉयज़ का मोरल को इंक्रीज करते हैं ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म करें। फैसिलिटेट इफेक्टिव प्लानिंग, किसी भी चीज़ की हम और अच्छे से प्लानिंग को इफेक्टिव बना सकें, उसमें क्या क्या कमियां थी जिनको दूर करके और हम अच्छे से उसको कर सकें। एक्ट्स एज मोटिवेशनल फोर्स, एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो और किसी चीज़ को अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। फैसिलिटेट इफेक्टिव कंट्रोल, कि हमारा किसी काम को करने के लिए और उस पर हमारा कंट्रोल बना रहे। नेक्स्ट है फैसिलिटेट पर्सनल लीडरशिप, कि लीडर्स की लीडरशिप को भी इफेक्टिव बताता है कि लोग उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं। बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये एक बेसिस बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या चेंजेस लेके आने हैं। यह है एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है लिमिटेशन, सीमाएं। फर्स्ट है समय लेने वाली, जो हमारा एमबीओ था वो टाइम कंज्यूमिंग फिलॉसफी है, क्योंकि उसमें हमको प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ की। सेकेंड है फेलियर टू टीच एमबीओ फिलॉसफी, लोगों को हम एमबीओ की फिलॉसफी ये कॉन्सेप्ट को बताने या समझाने में फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और पनिशमेंट अप्रोच है, अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको हम रिवॉर्ड देते हैं और किसी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है, ये उस पर वर्क करती है।
नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पेपर वर्क, कि जब आपने प्लानिंग बनाई है तो आपको पूरे पेपर्स, सबके ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस मॉनिटर, फीडबैक देने की, चेक करने की ज़रूरत होगी, तो ये पेपर वर्क को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स, कि ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है कि और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दे, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स होने लगे गोल्स को लेके, कि किसी चीज़ का लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सके गोल्स को लेके, कि किसी चीज़ का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सेट है, और हमको किसी दूसरे का जो ऑब्जेक्टिव है, कोई और एम्प्लॉयज़ लेना चाहता है, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की समस्या हो सकती है, लोग आपस में कॉपरेट करके ना चले, लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी हो सकते हैं, ये कुछ है हमारी लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी हो सकता है, ये है कुछ हमारी लिमिटेशंस ऑफ MBO। थैंक यू।